हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको इस गीत का, जो मैंने अभी आपको गाकर सुनाया है, इस गीत का मैं आपको नोटेशन बता रहा हूँ। बहुत ही प्यारा ये गीत है, ठीक है। और हमारे इस गीत का जो स्केल होगा वो होगा ये ई, और ये गीत हमारा राग भैरवी में है, ठीक है। तो इसको मैं आपको शुरू से बिल्कुल बताऊंगा म्यूजिक के साथ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से पूरे वीडियो को समझें और इस गीत को आप बजाएं। देखिए, अगर आप हारमोनियम की या सिंगिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी चीज संगीत में, कोई भी चीज आपको मिलती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। हर चीज आपको बजानी है, हर चीज से अलग अनुभव होता है, ठीक है। और गाने, कई लोगों की थिंकिंग ये है ना कि अपनी मर्जी से गाना बजाना चाहते हैं, नोटेशन के साथ नहीं बजाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सबको यही कहूंगा कि कम से कम आप पहले 50-60 गाने नोटेशन के साथ बजाएं, और पूरे पूरे गाने बजाएं नोटेशन के साथ। जब तक आप इतने गाने नोटेशन पे बजाएंगे तब तक आपको खुद से बजाना आ जाएगा। लेकिन आप शुरुआत में ही पहला गाना आप पकड़ते और आपके मन में आता नहीं हम अपनी मर्जी से बजाएं, तब तो नहीं बजेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो अपनी मर्जी से बजा लेते बिना सीखे, तो वो भी गाने ही बजाते हैं हारमोनियम पर, पहले नोटेशन पे ही गाने बजाते हैं तभी उनको बजाना आता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं डालूंगा तो वो भी आपको मिलेगा। जो भी पार्ट डालूंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा, वो सब आपको मिलेंगे। और चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं आपके सीखने के लिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप बहुत सारे गाने निकालकर बजा सकते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा गीत शुरू होता है वहां पे यही म्यूजिक बजता है, इस तरह म्यूजिक बज के और फिर हमारा गीत आ जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे इसका आरोह अवरोह क्या होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें शुद्ध गा भी लगेगा क्योंकि भैरवी में शुद्ध गा भी लगता है, ठीक है। भैरवी में सारे सुर लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूजिक बजेगा वो हमारी गाने की जो स्थाई की लाइन है उसी को आप बजा देंगे तो म्यूजिक हो जाएगा। इस तरह जैसे हमारी लाइन भी जो होती है उसमें फ्रेजेस बनते हैं। तो पहला फ्रेज क्या होगा, हमने तुमको दिल ये दे दिया, दिल पामा दे दिया मा मा मा, तीन बार, ठीक है। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना, ये भी ना,
मैं एक एक फ्रेज को कई कई बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो एक बार में नहीं समझ पाते, या थोड़ा स्पीड में अगर उनको बता दिया जाए तो भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो होते हैं, तो उनको बहुत ही स्लो में बताया जाएगा तभी वो समझ पाएंगे, और एक एक लाइन को कई कई बार बताया जाएगा तब। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं कि एक ही लाइन को बार बार बता रहा है, बार बार बता रहा है, तो वो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देखते नहीं है। लेकिन संगीत को जितना गहराई से आप देखेंगे उतना ही उसमें आप उतरेंगे और उतना ही उसमें क्वालिटी आती है। जब कोई बोल लगाया जाता है तो उसमें देखिए बोल पे कितना वजन पड़ रहा है, उसको निभाना कैसे है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तभी वो लाइन परफेक्ट होती है। अब पूरी लाइन क्या बनी, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। बाद में आप इस तरह से पूरी लाइन को एक साथ बजाएंगे, और एक साथ जब भी आप बजा पाएंगे जब आपके हाथ में अच्छी स्पीड आ जाएगी। पहले फ्रेज बाय फ्रेज ही लाइन को तैयार करना है, एक लाइन पूरी तैयार हो जाए फिर दूसरी लाइन पे जाना है, ठीक है। शुद्ध गा यहाँ पे लग गया, दिल ने मामा गा पानी धनी, सॉरी मां पानी धनी दिल ने मामा गा आधी लाइन से मैं आपको फिर बताता हूं। पहले ये फैस इतना यहां पे लेना है, धा 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 ये फैस ला, और ला को लाना है नीचे, ला धमारे ला के बाद फिर दोबारा जो दिल दिया ये फैसला सा सा प प प प म ये फैसला प प प म ये आएगा सा पे ये फैसला ये सा ये फैसला जो 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 भी आएगा हमारा मापे ही ये फैसला जो दिल ने किया तब दिल ने
दिल ने पमामा किया तब ममा मसा, ये भी न सोचा सारे गगारे सा, ये भी न सोचा सारे गगारे सा, मैं आपको सेकंड लाइन बजा कर दिखाता हूँ। उसके बाद फिर वही लाइन, हमने दे दिया ये भी न सोचा। ये हमारा है स्थाई, ठीक है। स्थाई को सबसे पहले आपको इस तरह तैयार करना और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए, गाना आप सुनते हैं किसी का और वो गाना 5 मिनट का होता है, 5 मिनट में सुन करके आप उसको 5 मिनट में ही बजाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। जब गाना बनाया जाता है तो उसमें महीनों लगते हैं। सोचिए, गाना जिस जब बनाया जाता है तो उसमें 1 महीना लगता है उनको बनाने में, तो आप 5 मिनट में उसको कैसे बजा लेंगे? और जब शुरुआती दौर में आप उसको सुन करके बजाना शुरू करते हैं तो आप भी एक तरह से गाने को बनाते ही हैं। भले ही आपके पास नोटेशन होते हैं, बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में पहले उसको बनाना ही पड़ता है, आप भी उसको बनाते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो गाना सही नहीं बजेगा, और आराम से बजाएंगे तो बिल्कुल सही बजेगा। एक एक लाइन को तैयार करें। इतना बजने के बाद फिर आ जाता है म्यूजिक। अब आइए म्यूजिक देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बार सोलो में म्यूजिक बजा के दिखाता हूं। म्यूजिक इसका काफी बड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो आइए इस म्यूजिक का भी नोटेशन देखते हैं। सबसे पहला फ्रेज क्या होगा, म म म ग म प स स स नि स, म म म, 3 बार पहले म, म म म ग म प स स स नि स, म म म ग म प स स स नि स, ये 3 बार बजाना है, ठीक है। म म म ग म प स स स नि स, 3 बार बजाने के बाद 4थी बार म म म ग म प रे 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 स रे, म म म ग म प रे 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 स रे। 4थी बार में ये लाइन आएगी और उसके बाद म्यूजिक फिर चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो लाइन आएगी वो हमारी क्या होगी, ये लाइन होगी, रे रे पा रे रे पा धा रे सा धा मा पा धा मा पा धा मा। फिर से देखिए, रे 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 पा धा रे रे पा धा रे सा जब इसको स्पीड में बजाएंगे तो किस तरह आएगी, उसके बाद मम पपा मम पपा मम
इस तरह। उसके बाद सारे गामा, इसके बाद फिर आ जाएगा अंतरा। ठीक है, तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप, फ्रेज बाय फ्रेज म्यूजिक को तैयार करें। मैं आपको एक बार म्यूजिक और बजा के दिखाता हूँ। ठीक है, म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद हमारा आ जाएगा अंतरा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्थाई और म्यूजिक को तैयार करें। अगले पार्ट में मैं आपको इसका अंतरा भी बताऊंगा और अंतरा के बाद जो म्यूजिक आएगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं। और अगर आप देखिए सीखना चाहते हैं, फिल्मी गाने हारमोनियम पे बजाना चाहते हैं और अच्छा हारमोनियम बजाना चाहते हैं, मेरे चैनल में आप जाइए, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें मैंने प्रॉपर गाने बजा के डाले हैं। और मैं पूरा गाना भी बजा करके डाल सकता हूँ, लेकिन पूरा गाना जो है वो कॉपीराइट होता है, क्योंकि हम दूसरे का गाना बजाते हैं, तो इसलिए पूरा गाना मैं नहीं डाल पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालता हूँ ताकि आप लोग उसको सुन पाएँ और उस तरह आप भी उसको तैयार कर पाएँ। जब आप किसी को बजाते हुए देखते हैं प्रॉपर हारमोनियम, तो उसमें आप देखिए हाथ किस तरह चल रहा है, और जब तक आपका हाथ अच्छे से तैयार नहीं होगा तब तक गाना अच्छे से नहीं बजेगा। ठीक है, और अपनी मर्जी से भी समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सभी लोग मैंने देखा है वो सोचते हैं कि हम यूट्यूब से सीख लेंगे। अब यूट्यूब से सीखने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइंडेड होते हैं और जल्दी कैच कर लेते हैं म्यूजिक को, वो सीख भी जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं सीख सकते। कई बार आप गाना सुनते हैं, उसको आप 100 बार सुने फिर भी उसमें बहुत सारी कमियां छूट जाती हैं जो आपका माइंड उसको कैच नहीं कर पाता, जब तक आपको कोई बताता नहीं है कि आपने यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसीलिए जब आप बजाते हैं तो उसमें कुछ अधूरापन महसूस होता है। तो क्लास ज्वाइन करें और बैठ करके पूरा गाना अच्छे से सीखें। हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से और वीडियो ट्यूटोरियल से भी। तो क्लास ज्वाइन करके आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और लोगों ने फैला रखी है कि गुरु के पास ही जा करके सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वीडियो कॉल से आपको सिखाया जाता है, आपको सामने बैठा करके ही सिखाया जाता है, बस आप अगर उसको समझ जाइए और जैसे मैं बताऊँ उसको आप बजाइए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और आप बहुत ही बढ़िया बजा लेंगे, ये आप भरोसा रखें। ठीक है, तो मिलते हैं, नमस्कार।